आप नहीं पढ़ेंगे? नहीं मैं बता रहा हूँ लॉर्ड, मतलब की बात करिए, बगैर मतलब की बात कर रहे हैं। विजय बहादुर सिंह ने जो वसीयत करी है वो तो अपने बच्चों को करी होगी, उसी समय क्या होता है डेट बताइए ना, क्या तरीका है, क्या सिस्टम होता है, मतलब यहाँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लिस्ट ऑफ डेविएंट्स की कोई वैल्यू नहीं है क्या? कुछ भी जो है ऐसी बात करना अच्छा नहीं लगता जो जिसमें आपका सम्मान कम हो। पिटिशनर के नीचे क्या लिखा है? डिफेंडेंट्स लिखा लॉर्ड, डिफेंडेंट्स होता है एक व्यक्ति को, डिफेंडेंट्स लिखते हैं? यस लॉर्ड। लिखते हैं क्या? नहीं, क्या लिखना चाहिए था? डिफेंडेंट लिख। हाईकोर्ट रूल्स की भी आप लोगों को कोई जो है वैल्यू नहीं है, कोर्ट बोल रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, हमने ऑर्डर कर दिया उसकी वैल्यू नीचे रजिस्ट्री को नहीं है, ये सब अनपढ़ जैसा काम क्यों हो रहा है? अभी मैं केवल कौन वादी है कौन प्रतिवादी है उसमें 10 मिनट बर्बाद कर चुका हूँ। जी बताएं। लॉर्डशिप भाई ये सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट माइक का इस्तेमाल करा करिए, आपके लिए लगवाया है वाला माइक आपके लिए है। किस चीज की सर्टिफाइड कॉपी प्रस्तुत की? सब 22/3 जो हमने आवेदन दिया था वसीयत प्रूफ करने के लिए एज अ पार्टी। किस ऑर्डर के खिलाफ आए हैं आप? हम आए हैं लॉर्डशिप ये ऑर्डर P1 Page 16 काइंडली सी द लॉर्डशिप। क्या ऑर्डर है ये? नेचर ऑफ ऑर्डर क्या है इसमें था लॉर्डशिप भाई? ये फाइल एप्लीकेशन ऑर्डर 13 रूल 10 लॉर्डशिप एंड एग्जामिन द 13/10 फेस लॉर्डशिप फॉर एग्जामिन द नोटरी रजिस्टर 13/10 में नोटरी रजिस्टर एग्जामिन साइन सिग्नेचर द एग्जामिन ऑफ द साइन सिग्नेचर ऑफ द 13/10 में नोटरी का रजिस्टर बुलाने के लिए। तो फिर क्या खारिज कर दिया कोर्ट ने? कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये 13/10 में ये बुलाया जा सकता है क्या रिकॉर्ड? 13/10 में नोटरी का रजिस्टर बुलाया जा सकता है? बुलाया जा सकता है रूल टीम ओरिजिनल रजिस्टर बुलाया। 13/10 में नोटरी का रजिस्टर आता है क्या? नोटरी का रजिस्टर क्या 13/10 में कवर हो जाएगा? क्या नोटरी अभी हैं या नोटरी नहीं है? नोटरी नहीं, उनके बच्चों ने जो डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किया फोटो कॉपी ऑफ द रजिस्टर अवेलेबल है या चले गए? वो पास्ड हो गए, है ना? ये ऑलरेडी पास्ड है। तो ये नोटरी का जो रजिस्टर है वो कहाँ से आया? वो उनके बच्चों ने कोई फोटो कॉपी और प्रस्तुत किया था आपको कोर्ट में दिया था और ये दिया था उन्होंने, ये डिनाइल किया कि साइन सिग्नेचर नहीं है पिताजी के नहीं है या कि हम जो इसमें किया है। तो दावा किस बात का है? दावा है टाइटल ऑफ डिक्लेरेशन। दावा डिक्लेरेशन टाइटल का किसने लगाया है? ये दावा लगाया था विजय बहादुर सिंह जिन्होंने वसीयत की थी लॉर्डशिप। किसने वसीयत की थी? क्यों, कौन मालिक था? विजय बहादुर सिंह थे वसीयत। सूट लाया था, वो सूट चल रहा था जब वो लास्ट स्टेज में उनकी स्थिति अच्छी नहीं हुई। विजय बहादुर सिंह दावा लेकर आए थे? यस लॉर्डशिप। किस बात का? डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल एंड परमानेंट इंजंक्शन का। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो सूट चलता रहा लॉर्डशिप जब वो लास्ट स्टेज में उन्होंने मरने के पहले एक वसीयत एग्जीक्यूट की कि इसको परस्यू करना है और जब ये सूट डिसाइड होगा तो ये सर्वे नंबर आपको मिलेंगे, बट उनके बच्चों ने उस सूट को वापस ले लिया। एक मिनट, विजय बहादुर सिंह ने सूट दावा लगाया डिक्लेरेशन इंजंक्शन का, वो किस बात के लिए लगाया? अब आप विजय बहादुर सिंह की वसीयत पे झगड़ा करने आ गया। सेल डीड नल एंड वॉइड कराना है। सेल डीड लॉर्डशिप है इसमें लिखा हुआ लॉर्डशिप में। आप नहीं पढ़ेंगे? नहीं मैं बता रहा हूँ लॉर्डशिप, मतलब की बात करिए, बगैर मतलब की बात कर रहे हैं। विजय बहादुर सिंह ने जो वसीयत करी है वो तो अपने बच्चों को करी होगी। नहीं, वो भी रिलेटिव थे उनके साथ। आप जाने क्या बोल रहे हो। 11/3/2010 बताइए, विजय बहादुर सिंह ने ये दावा लगाया उसमें क्या प्रॉब्लम है? विजय बहादुर सिंह के नाम से इंसेस्टर प्रॉपर्टी थी लॉर्डशिप। विजय बहादुर सिंह के नाम पे इंसेस्टर प्रॉपर्टी होगी? नहीं, इंसेस्टर प्रॉपर्टी थी जो उनके नाम से थी। हाँ। बट वो रॉन्गली म्यूटेटेड हो गई। किसके नाम? प्रेमा सिंह के नाम, रिस्पोंडेंट नंबर 3 के नाम पे लॉर्डशिप। वो सोल्ड द लैंड 11/3/2010 जिसको लेकर उन्होंने सिविल सूट फाइल किया। आराम से बताइए थोड़ा सा, सारे फैक्ट्स इधर की उधर कर रहे हैं आप। जी, जिसके आधार पे विजय बहादुर सिंह ने एक दावा लगाया डिक्लेरेशन एंड परमानेंट इंजंक्शन का, किस आधार पे? पहले ये बताइए। इस आधार पे लाया गया कि जमीन हमारी हमारे नाम से थी और रॉन्गली म्यूटेटेड हो गई प्रेमा सिंह के नाम से। इंसेस्टर प्रॉपर्टी थी जी और ये उसके मालिक थे जी, और प्रेमा सिंह के नाम गलत दर्ज हो गई। हाँ, रिस्पोंडेंट नंबर 3। ये प्रेमा सिंह जो है ये जमीन को उन्होंने रिस्पोंडेंट नंबर 2 प्रेमा सिंह के नाम गलत रूप से दर्ज हो गई। कब हो गई? ये 2005-06 के रिकॉर्ड। 5-06 में दावा कब लाया जी? ये उसी समय लाया, 6-7 में लाया। आप दावे की भी डेट नहीं लिखते हैं क्या यहाँ पे? इसमें क्रोनोलॉजिकल में नहीं डालते हैं?
उसी समय क्या होता है, डेट बताइए ना, क्या तरीका है, क्या सिस्टम होता है, मतलब यहाँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लिस्ट ऑफ इवेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है क्या? हेलो जी, 13 मई सूट लाए तो आप कर उसी समय लाए थे? नहीं, सेल डीड लॉर्डशिप यहाँ की है, 11/3/2010 की है सेल डीड। कुछ भी जो है ऐसी बात करना अच्छा नहीं लगता है, जो आप जिसमें आपका सम्मान कम हो। आराम से बताइए, मुझे कोई जल्दी नहीं जी। 2005-06 में उनका नाम दर्ज हो गया, आप दावा लाए 2013 में। yes, क्योंकि आपने लिखा है, कितना अच्छे से लिखा है, आप अपना लिखा भूल जाते हो। नहीं लॉर्डशिप, आप ही ने लिखा है। जब भी ये प्रश्न पूछा जाए तो आपको खुद क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट जो आपने लगाई है इसको देख के बोल देना चाहिए। और इसको सत्य मान के चल रहे हैं हम, इसमें गलत लिखा होगा तो बाद में देखेंगे। 12/2/13 को दावा लेकर आए। yes, फिर प्रेमा सिंह के नाम दर्ज हो गई गलत। प्रेमा सिंह का आपका कोई संबंध है? पारिवारिक। पारिवारिक मत बोलिए, संबंध माने सीधा बताइए। नहीं, कोई ऐसा संबंध नहीं, कोई भी नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। नहीं। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने प्रेमा सिंह ने जमीन को बेच दिया था रिस्पोंडेंट नंबर 2 को, सेल डीड है 11/3/2010 की लॉर्डशिप। 11/3/2010 की 10 को जो है प्रेमा सिंह ने सेल कर दिया। हाँ, इसी को शून्य करने के लिए डिक्लेरेशन ऑफ लेटर प्रेमा सिंह ने किसको बेचा? रीटा सिंह, रिस्पोंडेंट नंबर 2 को। रीटा सिंह जी, इनका जो नंबर है डिफेंडेंट के हिसाब से बता पाएंगे आप? 2 नंबर है इसमें। आपका नंबर क्या है राजनारायण का? ये अभी एज ए बशियत होल्डर थे। पिटिशनर का नंबर क्या है? पिटिशनर का नंबर 1 था, काय में सिविल शूट में, यानी वो डिफेंडेंट नंबर 1 है ना। हाँ, यस लॉर्ड। तो इसमें लिखना आपको अच्छा नहीं लगता क्या? अच्छा लगता, लिखा लॉर्डशिप। कहाँ लिखा है? देखिए क्या लिखा है, रिस्पोंडेंट्स। आप पहले अपनी पिटीशन का फर्स्ट पेज खोलिए जी, देखिए क्या लिखा है आपने। राजीव सिंह लिखा हुआ लॉर्डशिप, लेकिन बट आप पिटीशन का फर्स्ट पेज खोलिए। विजय बहादुर सिंह लिखा हुआ पिटीशन का फर्स्ट पेज में जो है पिटीशनर कौन है? राज नारायण सिंह। इसके नीचे क्या लिखा है? विजय बहादुर सिंह। पिटीशनर के नीचे क्या लिखा है? डिफेंडेंट्स लिखा लॉर्डशिप। डिफेंडेंट्स होता है एक व्यक्ति को, डिफेंडेंट्स लिखते हैं? यस लॉर्डशिप। लिखते हैं क्या? नहीं, क्या लिखना चाहिए था? डिफेंडेंट लिखना चाहिए। क्या नंबर है ये नहीं लिखना चाहिए? क्या होता है पिटिशनर, डिफेंडेंट्स हो गया। यहाँ बैठ के आपसे यही पूछते रहे कौन डिफेंडेंट्स, आपको उसका नंबर नहीं लिखना चाहिए, और आपने गलत और लिख दिया, डिफेंडेंट्स लिख दिया। ये सब इन चीजों की वैल्यू नहीं समझते क्या आप? कहाँ समझ रहे हो आप, मैं तो पिछले 6-11 महीने से ये बोल बोल के परेशान हो गया। आप लोगों को इसकी वैल्यू नहीं समझ में आती क्या? इस आधार पर खारिज करना शुरू कर दें? नहीं, हाईकोर्ट रूल्स में इसकी व्यवस्था नहीं दी हुई कि लिखना चाहिए? हाईकोर्ट रूल्स की भी आप लोगों को जो है वैल्यू नहीं है। कोर्ट बोल रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, हमने ऑर्डर कर दिया उसकी वैल्यू नीचे रजिस्ट्री को नहीं है। ये सब अनपढ़ों जैसा काम क्यों हो रहा है? अभी मैं केवल कौन वादी है कौन प्रतिवादी है उसमें 10 मिनट बर्बाद कर चुका, आपको भी नहीं पता? नहीं मालूम। बताइए कौन है आप? वी आर, आई एम द बिल होल्डर लॉर्डशिप। कौन है आप? आई एम द बिल होल्डर। मैंने पूछा वादी हो प्रतिवादी हो, नंबर बताओ। प्रतिवादी है। अभी भी नहीं बता पा रहे क्योंकि मालूम नहीं ना आपको। 1 पॉइंट इसमें जो बनेंगे सर, हू आर यू इन सिविल सूट में लॉर्डशिप? हम वहाँ सिविल सूट की ही बात की जाती है हमेशा। मैं तो मैं प्लेंटिफ हूँ लॉर्डशिप। 1 पॉइंट इसमें आप प्लेंटिफ हैं? एच आएगा। हाँ लॉर्डशिप, आप प्लेंटिफ हैं? हाँ, तो डिपेंडेंट लिखा हुआ है। आप प्लेंटिफ, मैं आपको डिपेंडेंट समझ के बहस सुन रहा हूँ इतनी देर से। लॉर्डशिप टाइपोग्राफी लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर प्रेस फॉर एंड इज ग्रांटेड 2 वीक्स टाइम टू मूव एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट चेंजिंग दी कॉज ऑफ टाइटल शोइंग दी प्लेंटिफ ऑफ डिफेंडेंट्स। क्या करते हो आप लोग, ये आपकी उम्र है आपकी, ये पीछे कोई नया जूनियर होगा वो क्या सीखेगा आप? आपको ये नहीं मालूम कि आप कौन हो, आप लिख गलत रहे हो, बोल गलत रहे हो, इतना मेहनत का काम है क्या ये? टाइपोग्राफिकल, ये बहुत गंदा शब्द है टाइपोग्राफिकल एरर का जी। उस कब तक उस टाइपिस्ट को कोसते रहोगे आप लोग, जो आपका पेट भर रहा है वो तो कम से कम डिपेंडेंट लिख तो देता है। आप तो देखते भी नहीं हो डिपेंडेंट गलत लिखा है कि सही लिखा है। देखना शुरू करिए अगली बार।